असम के राज्यपाल श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया, मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिश्व शर्मा जी, मेरे सहयोगी कानून मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय जी, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संदीप मेहता जी, अन्य सम्मानित जज, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, मुझे खुशी है कि आज गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने का और आपके बीच आकर के इस यादगार लम्हे का हिस्सा बना हूं। गुवाहाटी हाईकोर्ट की 75 वर्ष की ये यात्रा एक ऐसे समय में पूरी हुई है जब देश ने भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये हमारे लिए अब तक के अनुभवों को सहजने का भी समय है और नए लक्ष्यों के लिए जवाबदारी और जरूरी बदलावों का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। खासतौर पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की अपनी एक अलग विरासत रही है, अपनी एक पहचान रही है। एक ऐसी हाईकोर्ट है जिसके ज्यूरिडिक्शन में का दायरा सबसे बड़ा है। असम के साथ साथ आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड यानी तीन और राज्यों को भी सेवा की जिम्मेदारी निभाते हैं। 2013 तक तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में पूर्वोत्तर के 7 राज्य आते थे। इसलिए गुवाहाटी हाईकोर्ट की 75 वर्ष की इस यात्रा में पूरे पूर्वोत्तर का अतीत जुड़ा हुआ है, लोकतांत्रिक विरासत जुड़ी हुई है। मैं इस अवसर पर असम और पूर्वोत्तर के सभी लोगों को और खासकर यहां की अनुभवी लीगल फ्रेटर्निटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज एक सुखद संयोग ये भी है कि आज ही, और जैसा सब लोगों ने इसका उल्लेख भी किया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती भी है। हमारे संविधान के निर्माण में बाबा साहब की मुख्य भूमिका रही है। संविधान में समाये समानता और समरसता के मूल्य ही आधुनिक भारत की नींव है। मैं इस पुण्य अवसर पर बाबा साहब के चरणों में भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी और सबका प्रयास के बारे में विस्तार से बात की थी। आज 21वीं सदी में हर भारतवासी के सपने और उसकी आकांक्षाएं असीम है। इनकी पूर्ति में लोकतंत्र के एक स्तंभ के तौर पर हमारी सशक्त और संवेदनशील जुडिशरी की भूमिका भी उतनी ही अहम है। देश के संविधान की भी हम सभी से ये निरंतर अपेक्षा है कि हम समाज के लिए एक वाइब्रेंट, स्ट्रांग और आधुनिक लीगल सिस्टम बनाए। एस्पिरेशनल इंडिया इसके सपनों को पूरा करने के लिए ये जिम्मेदारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही अंगों की है। हम कैसे मिलकर काम कर रहे हैं इसका एक उदाहरण
पुराने और अनुपयोगी कानूनों को निरस्त करना भी है। आज यहां कई कानूनी दिग्गज मौजूद हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहां के कई कानूनी प्रावधान ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं। कई ऐसे कानून है जो पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं। सरकार के स्तर पर हम इनकी निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। हमने ऐसे 2000 केंद्रीय कानूनों की पहचान कर उनको खत्म कर दिया और जो अप्रचलित और निरर्थक हो गए थे, कालबाह्य हो गए थे, हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को भी समाप्त किया है। व्यापार के दौरान होने वाली अनेक छोटी गलतियों को भी हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। इस सोच और अप्रोच ने देश की अदालतों में केसेस की संख्या को भी कम करने में अहम भूमिका निभाई है। साथियों, सरकार हो या जुडिशरी, अपनी अपनी भूमिकाओं में हर संस्था का संवैधानिक दायित्व सामान्य मानवीय की ईज ऑफ लिविंग से जुड़ा है। आज ईज ऑफ लिविंग के इस लक्ष्य के लिए टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल बनकर उभरी है। सरकार में हम हर संभावित क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। डीबीटी हो, आधार हो, डिजिटल इंडिया मिशन हो, ये सभी अभियान गरीब को उनके अधिकार दिलाने का बहुत बड़ा माध्यम बने हुए हैं। आप सभी पीएम स्वामित्व योजना से भी शायद परिचित होंगे। दुनिया के बड़े बड़े देश, विकसित देश भी जिस चुनौती से जूझ रहे हैं, उनमें से एक है प्रॉपर्टी राइट्स की समस्या। प्रॉपर्टी राइट्स स्पष्ट ना होने से देश का विकास रुकता है, अदालतों पर मुकदमों का बोझ बढ़ता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से भारत ने इसमें बहुत बड़ी लीड ली है। आज देश के 1,00,000 से ज्यादा गांवों में ड्रोन के जरिए मैपिंग का काम पूरा किया जा चुका है और लाखों लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिए जा चुके हैं। इस अभियान से भी जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी, जनता की परेशानी कम होगी। साथियों, हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को अत्याधुनिक बनाने में टेक्नोलॉजी के लिए असीमित स्कोप है, यह हम अनुभव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी इस दिशा में बहुत सराहनीय काम भी कर रही है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए इस साल के बजट में ई कोर्ट मिशन फेज 3 का ऐलान किया गया है। पूर्वोत्तर जैसे पहाड़ी और रिमोट एरिया के लिए तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और भी अहम हो जाता है। आज एफिशिएंसी बढ़ाने और जस्टिस को एक्सेसिबल बनाने के लिए दुनिया भर के लीगल सिस्टम में एआई को भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल किया जा रहा है। हमें भी एआई के जरिए कोर्ट की कार्यवाही को सामान्य मानवी के लिए सरल बनाने के ईज ऑफ जस्टिस के प्रयास बढ़ाने चाहिए। साथियों, न्याय व्यवस्था में
अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पूर्वोत्तर में तो स्थानीय न्याय व्यवस्था की एक समृद्ध परंपरा रही है और अभी किरण जी ने उसका बड़ा विस्तार से वर्णन भी किया और मुझे बताया गया है कि प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन के अवसर पर गुवाहाटी हाईकोर्ट के लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 6 किताबें प्रकाशित की है। ये किताबें कस्टमरी लॉज पर लिखी गई है। मैं समझता हूं ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इस तरह की प्रथाओं के बारे में भी लॉ स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। साथियों, ईज ऑफ जस्टिस का एक प्रमुख अंग देश के नागरिकों को कानून के हर पक्ष की सही जानकारी होना भी है। इससे देश और संवैधानिक संस्थाओं में उसका भरोसा बढ़ता है। इसलिए सरकार में हमने एक और प्रक्रिया शुरू की है। जब कोई नया कानूनी मसौदा तैयार होता है तो उसका एक सिंपल वर्जन भी तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। कोशिश यही है कि कानून ऐसी भाषा में लिखा जाए जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ऐसी ही अप्रोच हमारे देश की अदालतों के लिए भी बहुत मददगार साबित होगी। आपने देखा होगा, हमने एक भाषिणी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि हर भारतीय अपनी भाषा में इंटरनेट और उससे जुड़ी सेवाएं हासिल कर सके। मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप इस भाषिणी वेब पर जरूर जाके देखिए, बहुत सामर्थ्यवान है। विभिन्न कोर्ट्स में भी इस प्लेटफॉर्म का लाभ लिया जा सकता है। साथियों, एक अहम विषय जिसको ऋषिकेश जी ने भी उल्लेख भी किया, हमारी जेलों में बड़ी संख्या में अनावश्यक रूप से बंद कैदियों का भी रहता है। हमारे मेहता जी ने भी उसका उल्लेख किया, किसी के पास जमानत के पैसे नहीं है तो किसी के पास जुर्माना भरने के पैसे नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ हो गया है लेकिन परिवार के लोग ले जाने के लिए तैयार नहीं है। ये सब लोग गरीब और कमजोर वर्ग से आते हैं। इनमें से ज्यादातर छोटे छोटे अपराधों में वर्षों से जेलों में ही है। इनके प्रति संवेदनशील होना सरकार और न्यायपालिका दोनों का कर्तव्य है। इसलिए इस साल के बजट में हमने ऐसे कैदियों को आर्थिक मदद देने के लिए अलग से प्रावधान कर दिया है। केंद्र सरकार ये बजट राज्य सरकारों को देगी ताकि इन कैदियों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें जेल से बाहर निकाला जा सके। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए एक संस्थान के तौर पर हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, देश हित में हमारे कार्य सर्वोपरि होने चाहिए। मुझे विश्वास है हमारी यही भावना हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर जाएगी। मैं एक बार फिर आप सभी को प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।